फ्रेंड्स, आज हम आपको आर गेट के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, इसका सिंबल, आर गेट का सिंबल इस तरह से होता है, ये बना हुआ है, और ये इसका आईसी नंबर है 7432। इसमें फ्रेंड्स ये एक 14 पिन की आईसी है, जिसमें 7 नंबर पे ग्राउंड सप्लाई दी गई है और 14 नंबर पे पिन पे प्लस वीसीसी सप्लाई दी है। इसमें +5 वोल्ट हम सप्लाई देंगे, +5 वोल्ट यहाँ 14 नंबर पे देंगे और -5 वोल्ट ग्राउंड सप्लाई 7 नंबर पे देंगे। इस फ्रेंड्स इसमें ये 2 इनपुट आर गेट है, जिसमें 1 और 2, 1 पिन नंबर 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, ये 4 और 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है, इधर यहाँ 9 और 10 आउट इनपुट है, 8 आउटपुट है, और यहाँ 12 और 13 इनपुट है, और 11 नंबर पिन आउटपुट है। फ्रेंड्स, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इसका जब भी इसमें ए या बी दो में से दो कोई भी पिन हाई होगी तो वो आउटपुट हाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए जिसमें पहला इनपुट ए हो गया, दूसरा इनपुट बी हो गया, और इन दोनों का आउटपुट वाई हो गया। फ्रेंड्स, इसमें 3 इनपुट या 4 इनपुट आर गेट भी आते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 इनपुट आर गेट आपके बारे के बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ ए ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, वाई हो गया, आउटपुट हो गया। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ 0 0 है, ए 0 बी दोनों 0 है, तो इसका आउटपुट 0 होगा। जब 0 या ए 0 होगा, बी 1 होगा, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर ए 1 है और बी 0 है, तो भी इसका आउटपुट 1 होगा, और 1 1 दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो फ्रेंड्स, इसका कोई भी अगर इनपुट हाई है तो ये आउटपुट हाई होगा। 1 मतलब +5 वोल्ट सप्लाई और 0 मतलब ग्राउंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स, जब भी ये हम इनपुट जैसे देंगे, 1 1 वोल्ट देने, 1 प्लस 1 देना होगा, तो +5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और 0 के लिए हम ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे, ग्राउंड सप्लाई देंगे, तो आउटपुट हमारा इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका आईसी नंबर है 7432। इसमें 4 OR गेट हैं, ये 14 पिन की आईसी है। अब मैं इसको आपको ब्रेड बोर्ड में लगा के इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। सप्लाई है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ऊपर वाली लाइन को मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, और नीचे वाली लाइन को निगेटिव बना दिया। फ्रेंड्स, ये एलईडी, ये मेरी एलईडी है, एलईडी की बड़ी पिन पॉजिटिव होती है, छोटी पिन निगेटिव होती है, तो मैंने छोटी पिन को निगेटिव पे कनेक्ट किया हुआ है, छोटी पिन को निगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है, और बड़ी पिन पे A1 के एक रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि मेरे आउटपुट को शो करेगा कि वो हाई है या लो है। फ्रेंड्स, ये मेरी 7432 आईसी है, ये 14 पिन की आईसी है। ये मेरे यहाँ पर नॉच बना हुआ है, नॉच बना हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है और आईसी का नंबर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ब्रेडबोर्ड में लगा देता हूँ। ये मैंने ब्रेडबोर्ड में इसको लगा दिया। ये लगा दिया फ्रेंड्स, देखिए पिन नंबर 1 और 2 पे इनपुट सप्लाई है। पहले फ्रेंड्स इस पे है, मैं इसकी पिन नंबर 7 पे ग्राउंड सप्लाई थी, तो मैं पिन नंबर 7 को जोड़ देता हूँ। पिन नंबर 7 को मैं ग्राउंड से जोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जोड़ दिया, और ये पिन नंबर 14 पे पॉजिटिव सप्लाई थी, तो मैं पिन नंबर 14 पे पॉजिटिव सप्लाई जोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने 14 पे पॉजिटिव सप्लाई जोड़ दी। अब फ्रेंड्स, इसका आउटपुट पिन नंबर 3 पे था, 1 2 पे इनपुट था, तो पिन नंबर मैं 3 को जोड़ देता हूँ। पिन नंबर 3 को इस मैं रजिस्टेंस पे जोड़ दिया, और मैंने रजिस्टेंस का आउटपुट इससे जुड़ा हुआ है। अब फ्रेंड्स, इस पे 2 इनपुट है, पिन नंबर 1 और 2। तो फ्रेंड्स, मैं पिन नंबर ये 2 वायर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, पिन नंबर 1,
वन पे कनेक्ट कर दिया और ये पिन नंबर टू पे कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से ये मैं ये देखिए, जब फ्रेंड्स मेरा दोनों ए और बी दोनों दोनों निगेटिव है, यानी कि दोनों जीरो को मैं दोनों को जीरो पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो दोनों को फ्रेंड्स ये नीचे मेरी जीरो वाली लाइन थी, तो मैं इसको दोनों को निगेटिव लाइन पे कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये ऑफ हो गई, यानी कि जब ये नीचे वाला ये जीरो जीरो होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, हो गया। पिन नंबर वन पे ए है और पिन नंबर बी है। अब मैं बी को पॉजिटिव पे लगाता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं बी वाले वायर को मैं पॉजिटिव पे लगा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए आउटपुट हाई है और मेरी एलईडी जल रही है। अब मैं ए वाला तार को पॉजिटिव पे लगाता हूँ और बी वाले को निगेटिव पे लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने निगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, तो भी ये देखिए जीरो वन पे भी वन ही होगा। अब जीरो वन पे भी वन हो गया और वन जीरो पे भी जीरो हो गया। अब फ्रेंड्स मैंने दोनों को पिन नंबर वन पे ये हाई लगा हुआ है और ये पिन नंबर टू को भी हाई पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोनों को हाई कर देंगे तब भी हाई हाई होगा फ्रेंड्स। इसमें खाली लो होगा जब दोनों को ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। तो जीरो वन पे भी वन हो गया, वन जीरो पे भी वन हो गया और वन वन पे भी वन हो गया। अब जीरो जीरो पे एक बार मैं चेक कर देता हूँ, जीरो जीरो पे जीरो हो जाएगा, ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। मैं इसको जीरो ए को जीरो पे लगाया, मैंने बी को भी जीरो पे लगा दिया, देखिए मेरी एलईडी ऑफ हो गई। इसमें से कोई भी एक अगर इनपुट हाई होगा, देखिए मैं एक इनपुट को हाई कर रहा हूँ, ये कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे मैं ए को हाई करूं या देखिए दूसरे वाले को हाई कर देता हूं तब भी ये हाई रहेगा। अगर दोनों को हाई कर देंगे तब भी ये इनपुट हाई रहेगा, ये देखिए जो कि आर गेट का फंक्शन है। और दोनों को अगर हम वन कर देंगे तो भी ये हाई रहेगा, ये दोनों को अगर हम जीरो कर देंगे तभी ये जीरो होगा। ये आर गेट है, ये मैंने पहला आर गेट इसमें चेक कर दिया। इसी तरह आप कोई भी आर गेट चेक कर सकते हैं। इसमें ये मैंने वन और टू पे इनपुट दिया था और तीन पे आउटपुट दिया था। आप फोर फाइव को भी यूज कर सकते हैं, दूसरे आर गेट को चेक कर सकते हैं इस पे, और ये बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से ये आउटपुट देगा। इसका इनपुट हो गया फोर और फाइव इनपुट हो गया, सिक्स आउटपुट हो गया। इसका हो गया नाइन टेन इनपुट हो गया, एट आउटपुट हो गया। ये ट्वेल्व और थर्टीन इनपुट हो गया चौथे वाले आर गेट का और इलेवन आउटपुट हो गया। इसमें चार आर गेट हैं फ्रेंड्स, ये टू इनपुट आर गेट है।